बहुत ज़्यादा वो लगेगा। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी दिख रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि ये बारिश का पानी है, क्योंकि यहाँ पे जो नाली के पानी आ रहा है वो इकट्ठा हुआ होगा। तो शाम का टाइम है और आज मैं प्लॉट पर नहीं गई। आज मेरा मन था कि मैं चली घूम के आती हूँ, तो मैं बस बेटे जी के साथ श्रेया मैं निकल पड़ी और तीनों लोग हस्बैंड चले गए अपने बुआ के घर। तो हम लोगों का जाने का मन था कि चले गंगा के किनारे, थोड़ा सा गंगा के किनारे ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। नहीं जा पाए तो मेरा मन किया कि पास के मार्केट में ही चले जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आए हैं बस अड्डा, यहाँ पे मतलब बस अड्डा के नाम से जाना जाता है, बस खड़ी होती है। और यहाँ पे मेरे देखिए पता नहीं मच्छर काट लिया, एक दाना निकल आया है और इस मेरा हाथ जो है ना इसी दाने के ऊपर रहता है, मतलब अजीब से लगता है। और यहाँ पे बंदर मैं दिखा रही थी और एक ही बंदर दिखा, तब तक गाड़ी आगे चली गई और फिर बंदर, मतलब कई बंदर थे यहाँ पे। वहाँ पे हरियाली भी अच्छी लग रही थी और सुकून भी मिल रहा था, थोड़ा खुले में अगर आप आ जाओ तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे दो ट्रकें खड़ी हैं, दो से ज़्यादा खड़ी हैं, इधर दो ट्रकें खड़ी हैं और ये शायद कुरकुरे है, क्या है कुरकुरे, हालांकि पसंद नहीं है मुझे, चिप्स वगैरह मुझे ऐसे लग रही हैं वही है। और यहाँ पे दो ट्रक इधर खड़े हैं और कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी सीखने आए हैं यहाँ पे, और यही लग रहा है मुझे। और हम लोग बस तरह से घूमने आए थे, घूम के आए तो फिर उसके बाद यहाँ बर्तन वगैरह फैला था, तो ज्योति भी को फ़ोन किए थे कि आ जाइएगा, तो वो भी बेचारी आई थी और घर में ताला बंद था, वापस चली गई। तो फिर आने के बाद बर्तन वगैरह रखी। जो भी कोई काम कर रहे हो, अगर भगवान जी का नाम लेते हो तो भगवान जी आपकी सही मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो जय भगवान जी। और शाम का 5 बज रहा है, आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। हाय है, हेलो जी, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। तो मैं बर्तन रखने जा रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं बर्तन हमेशा से दिखाती आई हूँ। देखिए घर में अगर हैं तो कुछ ना कुछ खाएंगे तो जूठा होगा, जूठा होगा तो उसे धुलना पड़ेगा। तो बर्तन वगैरह तो ये लाइफ के एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं, तो इनके लिए कोई अफसोस की बातें नहीं है कि हाँ मैंने बर्तन दिखाया या मैंने बर्तन देखा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये जहाँ तक मैं मानती हूँ और सभी के लाइफ में यही चलता रहता है, उतार चढ़ाव बस यही चलता रहता है हमेशा। कहाँ जा रही हो? या। मैं भी चलूंगी, बोर हो गई घर में रह रह के। मैं वो कह रहा पहले ढक के कपड़े पहन आना। क्या पहनी थी? तो बर्तन मैंने बोला था ना कि बर्तन मुझे रखना है, और बर्तन हम लोगों की लाइफ में एक अहम हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि श्रेया को इतना डर लगता है, यहाँ पे बर्तन जो धुल के ज्योति गई थी तो उस बर्तन को यहाँ पे कढ़ाई रख दिख रही है आपको, और कढ़ाई के ऊपर जो है पॉलीथीन डाली हुई है। तो श्रेया को बहुत ही ढकने की चीज़ें जो है, ढक के रखने की चीज़ बहुत ही वो है, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो ध्यान देती है। तो कढ़ाई मंजी हुई रखी है, उसके ऊपर पॉलीथीन, क्योंकि कहती है नहीं मैं ढकूंगी नहीं, नहीं तो छिपकली छू लेगी कढ़ाई और फिर उसमें तुम मम्मी खाना बना दोगी। तो हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल तो वैसे भी लोहे के बर्तन में जंग लग जा रहे हैं, तो मुझे धुलना पड़ रहा है। और फिर भी श्रेया की सेफ्टी जो है इतना ज़्यादा करती है। और मैं अपने बर्तन को रख रही थी तो बाल जो है जूड़ा मतलब उलझ रहा था, तो मैंने सोचा अब जूड़ा बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं नहाई, पूजा करी, और उसका कोई क्लिप मैंने पूजा का नहीं शेयर किया। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और मैं बनाने वाली हूँ नेनुआ की सब्ज़ी। यहाँ पे ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें लहसुन और बड़ी डाल देती हूँ, और इसमें मिर्च भी डालना है, लेकिन मैं मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही छींक आने वाली है, इसलिए मैं मिर्च नहीं डालूँगी अभी। तो बस थोड़ा सा अगर ऑयल गर्म है और उसमें डाल दीजिए और लहसुन वहसुन, तो बहुत ही जल्दी पकता है। तो बस यहाँ पर हमने डाल दिया नेनुआ कटा हुआ, और इसमें आप आलू भी डाल सकते हो, बट मैं आलू नहीं डाली हूँ क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा हो जाने वाली है। दो नेनुआ था तो बहुत मोटा मोटा सा दिख रहा था, तो मैं उनसे टाइट ना हो जाए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ अलर्ट पड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद ही इसमें नमक मैं ऐड करूँगी।
आज मैं घूमने तो गई थी लेकिन प्लॉट पे मैं नहीं जा पाई, घूम के तो आ गई और फिर उसके बाद नहाई मैंने, जैसा कि आपको बताया कि आज मैं पूजा का ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई, सुबह में जो ब्लॉग बनाई थी वही शेयर कर पाई, शाम को मतलब पूजा का नहीं कर पाई, शाम को कर पाई थी 5:30 बजे के टाइम था। और यहाँ पर मैं फिर से सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ, सब्ज़ी को चेक करने के बाद मैं यहाँ पर फिर ढक्कन लगा दूँगी और थोड़ी देर ये पकेगा फिर मैं चेक करूँगी, क्योंकि इसी तरह से करके इसको हमें बीच बीच में चेक करते हुए बनाना है। और साइड में रखा हुआ है भगोना, उसमें दूध चढ़ा देती हूँ। आपका फोन बज रहा है, अभी तो नहीं आवाज़ आ रही है भाई, भाई जस्ट बंद, अभी तो चल रही है। किचन में है और इस साइड में मैंने रख दिया है सब्जी पकने के लिए, उस साइड में मैंने दूध चढ़ा दिया और अब मुझे यहाँ जो इतना ढेर सारा फैला हुआ है ये सारा चीज़ों को समेट लेना है। और आज बर्तन वाली आई थी, मैं बाहर चली गई थी इसलिए बर्तन वाली वापस चली गई। और यहाँ पे देख लीजिए ना, अचार का जो है डिब्बा दोनों खाली है और पलटा हुआ है, है खटाई जो कि आधा ये है आधा ये है, थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा था तो इसलिए मैंने आ जाता इसमें थोड़ा ही से ज़्यादा मिलता बचता तो मैंने दोनों में रख दिया है। और आज मैंने इसको खोल के भी देखा भी नहीं कैसे है कैसे नहीं, इसका पानी सूखा कि नहीं सूखा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी ही देर बाद इसकी बारी आ गई चेक करने की, तो बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे और पानी बहुत ज़्यादा ही छोड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पकाने में देर लगता है। अगर आलू रहता तो जल्दी ही पक जाता है तो नहीं। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डालना तो भूल ही गई, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, मसाला वसाला नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी डालूंगी नमक डालूंगी। तो मैंने सोचा पानी गल जाता है तो नमक डालती। तो देखिए खाना बना के आई हूँ, लेटी हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी और मन कर रहा था बस थोड़ी देर ऐसे सुकून से लेटी रहूँ, मैं पूरा शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। और खाना बना के खाना खा के हम लोग मतलब अपने अपने काम में लगे, पहले तो मैं थोड़ा सा सीरियल देखी और आजकल सरदारनी फिर से देख रही हूँ। सरदारनी हालांकि देखी थी, कुछ क्लिप जो है कभी कभी मिस हो गया था तो वो चीज़ हम नहीं देखे थे, तो हम और श्रेया फिर से सरदारनी देखना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद ना मतलब खाना वाना हुआ, खाना खा लिए तो थोड़ा सा किचन को साफ़ करना था वो चीज़ किए, और उसके बाद मैंने अपने काम में लग गई क्योंकि मुझे मोबाइल में ढेर सारा काम करना पड़ता है। और आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार पा के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मुझे एक कमेंट आया था मुकेश ठाकुर करके हैं, तो मुकेश ठाकुर कह रहे थे कि आप सोने के दांत लगवा लीजिए। सोना कहाँ से पाऊँ यार, सोने के दांत लगवाऊँ कि सोना पसंद है सो जाऊँ कि सोने का मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उसको बनवा लूँ। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी मैंने उनकी बातों हंसी में लिए बोले, हालाँकि कहें कि मैं आपका सपोर्ट करूँगा और आप मुझे एक लड्डू पंजाब की तरफ फेंक दीजिएगा तो मैं खा लूँगा और मुझे लगेगा कि हाँ मेरी फ्रेंड जो है सुपर स्टार बन गई है। यार अभी तो मैं स्टार क्या, अभी तो मैं जीरो पे चल रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैंने उनसे बोला भी कि मैं तो जीरो पे चल रही हूँ, स्टार कब बनूँगी मुझे पता भी नहीं है। तो सच में एक सपना सा है, एक मतलब जैसे कि मैं क्या बताऊँ कि शायद मेरे बस में नहीं है, शायद ये सब आप ही लोग कर सकते हो और स्टार सुपर स्टार ये मेरे बस के नहीं है और सपना जैसे लगता है। और ये पूरा करना तो बड़े बड़े लोगों की बात है और मेरे जैसे छोटे लोगों को कौन सपोर्ट करेगा सुपरस्टार बनने में। तो हालांकि उनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं थोड़ा सा जैसे रिलैक्स फील कर रही हूँ, लेटी हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और हमारे यहाँ बार बार लाइट आ रही है जा रही, लाइट आ रही है जा रही है, तो कोई लाइट का भरोसा नहीं है कब आ रही है। अभी मैं लाइट ही देख रही थी कि आई है कि चल रही है, इन्वर्टर ही चल रहा है, तो बार बार लाइट आना जाना यही काम चल रहा है। इस साल पूरी गर्मी बीत गई और हाँ गर्मी से याद आया कि मेरी मेहंदी देखिए कितनी क्यूट से लग रही है ना, यहाँ वाली तो छूट गई, हाथ वाली यहाँ वाली लगी हुई है और इस हाथ में भी लगाए थे वो हाथ वाली भी छूट गई। बस ये जैसे ये वाली मेहंदी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह करके। और मैंने पहन रखा है चूड़ा जो कि मतलब
मेरा मन कर रहा था कि इसको मैं पहनूं, काफ़ी दिनों के बाद मैंने पहना है इसको, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना गोरी है कलाई दिला दो मुझे हरी हरी चूड़िया, तो मुझे ये मैरून कलर का चूड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरी कलाई कैसे लग रही है मुझे अभी, मेरी कलाई मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, जैसे गोरी गोरी सी लग रही है। पता नहीं मैं गोरी हूँ काली हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कलाई बड़ी अच्छी सी लग रही है मुझे। तो गोरी है कलाइयाँ तुला दे मुझे हरी हरी, पहले मैं इसका अर्थ समझी थी तुला दे मतलब तू ला दे नहीं, अब मुझे समझ में आता है कि तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, तो सच में। और चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि बातें तो बहुत हो जाती हैं, बहुत सच में। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, थैंक यू। और सुपर स्टार की बात है तो वो आप सबके हाथ में है, बाय।